पुरानी शिवपुरी स्टेडियम के पास वार्ड 24 ए टू जेड गैरेज के पास वाली गली में नाली पर स्लिप टूटा होने के कारण जहां से निकलने वाले बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोग गिरकर घायल हो गए हैं। इस गली में दिन भर आवक जावक ज्यादा रहती है। कई पैदल निकलने वाले बुजुर्ग भी इस नाली का शिकार हो गए हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले सारे पार्षद वार्ड से हट गए हैं, अब तो नगर पालिका ही इस नाली का निर्माण कराएगी। इस गली के रहने वाले लोगों ने बताया कि हमने इस नाली की शिकायत कई बार नगर पालिका में की, सीएमओ साहब को आवेदन भी दे दिया, लेकिन कई सुनवाई नहीं हुई, जहां तक के 181 भी लगा दी, लेकिन नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी 181 को भी गंभीरता से नहीं लेते, जबकि सीएम का आदेश है कि हर विभाग के अधिकारी 181 का जल्द से जल्द निराकरण करें, लेकिन ये अधिकारी 181 को भी हल्के में लेते हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राशिद खान है। ये गली में क्या समस्या है आपकी? सर ये वार्ड क्रमांक 24 शिवानी गली है, यहाँ तकरीबन 3 साल लगभग हो चुके हैं जी, और ये सबसे व्यस्तम गली है, जो मतलब लगभग लोग यहाँ से निकलते रहते हैं तकरीबन। और शिवानी गली जो है इसमें काफ़ी दिनों से क्या है, तकरीबन समस्या पैदा हो रही है कि जो बीच में एक नाली है जी, देख सकते हो आप, जिस तरीके से गाड़ी यहाँ पर आने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसको शासन और प्रशासन को कई बार सूचित कर दिया गया सर, लेकिन अभी तक कोई नगर पालिका वगैरह में आपने इसका आवेदन साहब से आवेदन दिया था, और नगर पालिका के जो पार्षद भूतपूर्व पार्षद बलवीर यादव जी हैं उनको सर सूचित किया गया, लेकिन अभी तक तकरीबन मैं समझता हूँ 6 महीने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। 6 महीने हो गए इसको टूटी पड़ी है, और 181 वगैरह आपने लगाई इसकी? सर 181 लगाई थी इससे पहले, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, पेंडिंग में डाली हुई शिकायतें सारी की सर। जन सुनवाई वगैरह मंगलवार को कोई? सर जन सुनवाई में अभी तक कोई शिकायत मतलब अभी नहीं लगाई है, लेकिन अगर हम कार्रवाई ये करने की सोच रहे हैं तकरीबन यहाँ के लोग, अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करता तो जन सुनवाई में हम जरूर इसका आवेदन देंगे। नगर पालिका में आपने आवेदन दिया, उनने क्या आश्वासन दिया था? यही आश्वासन दिया सर कि पार्षद के माध्यम से होगा, और पार्षद ने भी हमसे ये कहा कि मैं अभी पद पर मतलब कार्यरत नहीं हूँ सर, तो अभी तक नगर पालिका से ही जो कार्रवाई होगी वो नगर पालिका के माध्यम से ही होगी सर। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।